लोग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर पल्लव है, वो उनका कहना ये है कि तुमको यदि क्षेत्र में लैब चलाना हो तो वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको इतने पैसे की रिश्वत देनी पड़ेगी। और वो मैंने कहा किस चीज़ के लिए है, मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा तो उनका कहना ये है कि बैतूल के जो सीएमओ साहब है वो डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो डिमांड कर रहे हैं तो उनको भेजो मेरे पास में। मैं कहा मेरा लैब रजिस्टर्ड है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है कहाँ, जो कि भोपाल से मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, और ये लाइसेंस है जो भोपाल से मुझे मिला हुआ है, और ये अभी भी वैलिड है 2023 तक के लिए। तो सर जब मेरी लैब रजिस्टर्ड है, मेरे पास पूरे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, मैं खुद एमएससी बायोकेमिस्ट्री से रजिस्टर्ड हूँ, और मेरे साथ में पैथोलॉजिस्ट भी सारे मौजूद है, फिर मैं इन लोगों को फर्जी पैसा क्यों दूँ। एक लैब संचालक के इन आरोपों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह कोरोना काल में वसूली का खेल जारी है, और एक लैब संचालक ने ही इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन उस आवाज़ को उठाने का नतीजा क्या मिला, उसे जानने के लिए ये तस्वीरें देखिए। जब इसी लैब संचालक की लैब को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया, खबर है कि पहले संचालक को नोटिस देकर CMHO ऑफिस बुलाया गया और बाद में उसकी लैब सील कर दी। इस मामले में जब CMHO साहब से बात की गई तो उनका क्या तर्क था, आप भी जानिए। इसकी संचालित की जा रही है लैब, तो वो सही पाया गया, उसकी लैब का कोई भी हमारे यहाँ से CMHO कार्यालय से लाइसेंस इशू किया ही नहीं गया, और वो पिछले एक महीने से चला रहा था। शिकायत जब आपके पास आई उसके पहले उस व्यक्ति ने आपके पास शपथ पत्र भिजवाया था क्या कि आपके नाम पे BMO ने 30,000 रुपये मांगे थे? हाँ, एक ऑडियो भी उसमें आया था, उसकी भी हमने जाँच कर ली है, और ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं कि इससे, ये कह रहा था फोटोग्राफ्स भी है जब मांगने के लिए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वो जो है ना सिद्ध हो सके उससे कि BMO ने पैसे मांगे थे। और ये बात सही है कि ऑडियो पहले आया था बाद में उसकी शिकायत की गई? ऑडियो और शिकायत उसकी जो है ना, उसने खुद शिकायत की थी, ऑडियो और वो दोनों थे उसमें, उसने खुद शिकायत की थी, वो साथ ही साथ आए थे। नहीं, लैब संचालक के खिलाफ शिकायत तो बाद में आई ना? लैब संचालक के खिलाफ शिकायत पहले आ गई थी। तो पहले आ गई, कभी तो आपने कुछ बताया नहीं। एक दिन पहले शिकायत उसकी हुई थी, हमारे नॉलेज में नहीं थी, आवेदन पड़ा हुआ था। किस तारीख? तो उसको तारीख तो हमें याद नहीं है, वो भी नहीं है, और उसकी लैब जो है ना सील कर दी गई, और आप अगर वो दस्तावेज अगर हमारे पास अप्लाई करेगा तो उस पर विचार। स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा एक और गंभीर पहलू उस वक्त सामने आया जब क्षेत्र के ही ताप्ती हॉस्पिटल के खिलाफ मिली एक शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में रफा दफा कर दिया, और उसी दौरान एक लैब संचालक पर ऐसी कार्रवाई कहीं ना कहीं उसकी भूमिका को कटघरे में खड़ी कर रही है। पंजाब केसरी के लिए रामकिशोर पनवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।